देख रहे हैं टीकअप गाइस, बहुत हो गया इंतजार और बहुत हो गए ट्रेलर्स। अब टाइम है हमारे पहले एपिसोड का। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी मेरे साथ इस टाइम को जरूर एंजॉय करेंगे। तो जिन्होंने ट्रेलर्स देखे हैं मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे, और जिन्होंने गौर से देखा है उन्हें पता होगा कि हमारे सेगमेंट्स कौन से हैं जनाब। तो हम चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। तो हमारा पहला सेगमेंट है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग मुझे जवाब देंगे कि फलां पर्सनालिटी मेरी इंस्पिरेशन है या कोई एक फेमस जो है शख्सियत वो आप लोगों की इंस्पिरेशन है। लेकिन अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं यही कहूंगी कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे ऐसी इंस्पिरेशन निकल सकती है जो कि किसी और फेमस पर्सनालिटी से नहीं निकल सकती। और टीकअप एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो हम आपके लिए लाए हैं जिस पर हम लेमैन की जिंदगी से इंस्पिरेशन निकालेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। और इसी को कंटिन्यू करते हुए मेरे साथ आज की गेस्ट हैं खौला आबिद, जिनकी लाइफ से मैं इंस्पिरेशन निकालूंगी आपके लिए। Life is a journey. It all starts when you open your eye. When I opened my eye, I found myself in a religious, conservative family where people love to classify education in two distinct domains. Well, you people are lucky enough that you all went into your schools when you were 3 to 4 years old. I went into my real school when I was 9 years old. I still remember that day when a giant girl of 9 years old was sitting among little kids, and I went into college and then into university, and again in university I achieved a lot. And the most happiest thing is that my parents are satisfied now and I'm still learning and excelling. Assalamu alaikum Khola, kaisi hain aap? Theek thaak hain? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? आई एम गुड। सो खौला, आपकी हमने डॉक्यूमेंट्री देखी और इससे ये कंक्लूड किया कि बहुत सारी रिलीजियस बाउंड्रीज, बहुत सारे सोशल फैक्टर्स के होने के बावजूद आपने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा। तो आपने क्या रीजंस थे जिनकी वजह से आपने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी? वेल, आपके सवाल का जवाब मैं एक लफ्ज में देना चाहूंगी, लाइक इररेसिस्टिबल क्यूरियोसिटी। दैट वाज द ओनली रीजन, क्यूरियोसिटी टू नो द वर्ल्ड दैट इज अराउंड मी। अच्छा, तो खोला, बाउंड्रीज किस तरह की थी आपके इर्द गिर्द जिन्हें आपने ब्रेक करके जो है अपना सफर जारी रखा? बाउंड्रीज, जैसे कि आपने बताया भी कि मैं एक बहुत रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो बाउंड्री यहाँ पे एक रिलीजन को ही बनाया गया था। ऑल्दो रिलीजन इज नॉट अ बिग बाउंड्री, सो हम लोग इसे बना लेते हैं। और आई एम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, वेरी ट्रेडिशनल फैमिली, तो बस मेरी फैमिली में एक तरह से इस्लाम को एक बेस बनाया था, एक बैरियर बनाया था। और मेरे पेरेंट्स एक ना भी बनाते, लेकिन जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो इसको बना देते हैं। हाँ, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं जिसमें जो रिश्तेदार होते हैं वो बहुत ज्यादा पेरेंट्स को बूस्टअप करते हैं कि नहीं, इसे बाहर नहीं निकलने देना, बस घर तक ही महदूद रखना है। अच्छा, तो स्कूलिंग के बाद कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी, ये सारा कुछ कैसा हुआ? अपने पेरेंट्स का माइंड किस तरीके से आपने मेकअप किया? पेरेंट्स का माइंड मुझे सबसे पहले एक दफा मेकअप करना पड़ा, बस थैंक गॉड। अच्छा, और उसके बाद हम चुके कंबाइंड फैमिली सिस्टम, तो उसके बाद हम सेपरेट हो गए, तो कोई इतने बड़े बड़े बैरियर्स नहीं आए। वो जब मुझे एक दफा मोल्ड करना पड़ा वो तब था कि जब मैं एक स्कूल से बाहर आई थी। सही, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन में एक स्कूल में भेज दिया था, ठीक है, जहाँ पे आपको सिर्फ कुरान क्रैम कराया जाता है, समझाया भी नहीं जाता। तो लाइक 8-9 साल मेरे अपनी जिंदगी एक स्कूल में गुजारे। आपकी बात को मैं लेते हुए चलूं कि आजकल के दौर में सोसाइटी का मेन प्रॉब्लम ही है कि आपको इस्लामी तालीम दी तो जाती है लेकिन उसका मकसद और उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है वो नहीं बताया जाता। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने घरों तक सिर्फ इसी वजह से महदूद रह जाती हैं क्योंकि बेसिकली उनके पेरेंट्स को, उनके घर वालों को इस्लाम क्या कहना चाह रहा है उसका मकसद ही नहीं पता होता। अच्छा, तो स्कूल के बाद कॉलेज और कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी, किस तरह की एक्टिविटीज में आप एंगेज रही और किस तरह की सोशल एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व रखा? जब मैं स्कूल से बाहर निकली, एक स्कूल से और जो कि दीनी तालीम का स्कूल कहलाता है, उसके बाद मैं दुनियावी तालीम अकॉर्डिंग टू माय ऑल बड़े बूढ़े लोग जो है कि दीनी तालीम की तरफ आ गई है, जो कि मगरिब की ज़िप्पे फितर है। तो मैं जब उसकी तरफ आई तो उसके बाद, चूंकि मैंने बताया कि मैं बहुत जुनूनी किस्म की बच्ची थी, सही, और वो किस्म की बच्ची थी, अब इससे अंदाजा लगा रहे हैं कि जब मैं स्कूल से बाहर आई तो मुझे एबीसी भी नहीं आती। डू बिलीव मी, कि इमेजिन करें, एक 8 से 9 साल का बच्चा है,
वो एक स्कूल से बाहर आ रहे हो, दुनिया से बिल्कुल कट जाते हो, दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं. लाइक वो मैंने आपको बताया ना कि वो एबीसी को भी गुनाह समझते हैं. सही, ये है नहीं, ये बहुत कंजर्वेटिव सोच है लेकिन गुनाह समझा जाता है, तो जिसकी वजह से बच्चे जिसके, और हमारे अब होता होगा लेकिन हमारे दौर में देखो स्कूल में ऐसा नहीं होता. अच्छा. तो फिर जब मैं बाहर आई तो मुझे एबीसी भी नहीं आती थी, तो लेकिन मुझे जुनून बहुत था. मैंने आपको बताया ना क्यूरियोसिटी और पैशन इज द मेन एलिमेंट थी आप अपने एम को लेके. हाँ, एम तो ऐसे जितना क्लियर नहीं था लेकिन पैशन बहुत था और क्यूरियोसिटी भी बहुत थी. किस तरह की सोशल एक्टिविटीज जो है आपने उन्हें अडॉप्ट किया? फिर जब मैं स्कूल में आई तो मैंने फिर डिबेटिंग को ज्वाइन किया और रीडिंग कॉम्पिटिशन में बहुत पार्टिसिपेट किया. और चूंकि मैं हाउस कराती थी तो तिलावत नात ये सब चलता रहता था. और मैंने टैबलेट्स थे उसमें भी एक्टिंग वाला थोड़ा पार्ट भी प्ले किया. अच्छा, तो जब आपने अचीवमेंट्स जो हैं वो करना स्टार्ट कर दिया अपनी लाइफ में, चीजों को अचीव करना शुरू कर दिया, तो फिर पेरेंट्स का क्या माइंड था आपको लेकर, आपसे रिलेटेड? हाँ, आपको पता ना हमारे यहाँ बच्चे थोड़ा पढ़ना शुरू हो जाए तो माँ की थोड़ी इज्जत भी बनना शुरू हो जाती है. जैसे घर में कोई बच्चा नंबर ज्यादा ले ले, रिसेंट मैट्रिक का रिजल्ट आया तो जिन बच्चों ने नंबर ज्यादा लिए तो उसको प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं अपने दूसरे बच्चों में. तो बस इसी तरह से हुआ कि जब मैंने टॉप किया स्कूल में कंसेक्यूटिव मैंने टॉप किया फ्रॉम 1 to 9, तो पेरेंट्स वर हाईली कन्विंस्ड कि बच्ची जो है वो आगे भी कंटिन्यू कर सकती है. तो जितने बैरियर्स थे, जितने भी उनपे बोझ था, तो उन्होंने उसको निगलेक्ट किया और मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आगे जा सकूं. लेकिन थोड़ा मुझे उनको रीशेप करना पड़ा, बट आई डिड दैट. तो फिर मैंने कॉलेज में भी और फिर यूनिवर्सिटी, सो आई ट्राइड माय बेस्ट टू परफॉर्म वेल और आई डिड दैट. तो दैट्स व्हाई वो हाईली कन्विंस्ड थे. ठीक हो गया. अच्छा, तो फला अपनी अब तक आपकी स्कूलिंग से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी से तक जो भी अचीवमेंट्स हैं, मैं चाहूंगी कि एक दफा आप उन्हें हमारे पूरे पाकिस्तान को बताएं कि आपने अभी तक क्या अचीव किया इतनी बाउंड्रीज के बावजूद. सबसे पहली अचीवमेंट जो मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट थी, मैं 8 साल की थी जब मैंने कुरान हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया था. अच्छा. उसके बाद एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है, उसका वफाक का इम्तिहान कहते हैं, और वो हर हाफ कुरान को देना पड़ता है. हाँ. और उसमें भी आपकी ग्रेडेशन की जाती है, और आपको पता ना ग्रेड सिस्टम हमारे यहाँ का एक कंजर्वेटिव निज़ाम है. हाँ. तो वहाँ पे भी ग्रेडिंग होती है, और ग्रेडिंग में अगर आप सक्सेसफुल हो जाए तो आप स्कूल से बाहर जा सकते हैं, वरना आप नहीं जा सकते, और आपको उन्हें सारी जिंदगी में ही बितानी पड़ती है. तो खैर, मैं वो जब 9 साल की थी आई गेस, तो मैंने जब वो एग्जाम दिया तो उस एग्जाम में वो चुके और पाकिस्तान वफाक कंपटीशन था सब तमाम हाफ कुरान का, तो उसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन गेन की. ठीक हो गया. दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट और दैट वाज द रियल प्राउड फॉर माय पेरेंट्स एज वेल. तो उसके बाद जो है, लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ मेरी इस अचीवमेंट का. आई वॉज मतलब मेरा कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हुआ. अपनी शख्सियत पे तमाद होता है ना, लाइक आपको ये सक्सेस अचीव करें तो आपको अपना भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि यार इफ आई कैन डू दिस तो आई कैन डू मच मोर देन दैट. तो वही हुआ, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि जब पेरेंट्स ने देखा, चूंकि वो रिलीजियस थे और आपको पता है फैमिली भी सॉर्ट ऑफ टाइप की थी, तो जब उन्होंने कहा कि बच्ची अगर ये कर सकती है तो भेज दो आलमा के कोर्स के लिए, और जो 12 साल का कोर्स होता है ना उसके लिए पकड़ के भेज दो, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकती, बड़ा अच्छा कर सकती है. क्योंकि आपको पता है हमें वहाँ भी चीज़ें हिफ्स कराई जाती हैं. सही. तो भाई दिमाग बड़ा अच्छा है, कुरान याद किया हुआ है. यार अब हम लोग ये सोचते नहीं है कि कुरान को याद तो किया हुआ, लेकिन अलिफ लाम मीम का भी मतलब नहीं पता. कहने को आप हाफिज़ कुरान है, आपको पता होता कुछ भी नहीं है. हाँ. आपने सिर्फ रट्टे लगाए हुए हैं, और वो बच्ची बहुत जहन आला अरफा भेज दो आलमा के कोर्स के लिए 12 साल का है, तो दुनिया आखिर सवर जाएगी. अगर जिस तरह से समझ जाएगी, लेकिन सास जुनिंदे को अपने साथ ही जाएगी. आपको पता ना जिस तरह के हमारे पेरेंट्स को कहा जाता है, इमोशनली ब्लैकमेल भी किया जाता है, तुम्हारे लिए भविष्य में एक जगह बन जाएगी, मरोगे तुम्हारे साथ साथ लोगों को सवाब जाएगा, सॉर्ट ऑफ ऑल दैट स्टफ. तो उन्होंने मेरे स्कूल के प्रिंसिपल जो थे, लाइक मेरा स्कूल बहुत नॉमिनेटेड रहा है, आज भी मौजूद है, तो उनको कहा कि हमने बच्ची को भेजना है, अब बच्ची ने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, तो आप क्या कहते हैं, आपका क्या मशवरा? उन्होंने कहा हाँ भाई भेज दो आलमा के कोर्स के लिए, इससे ज्यादा अच्छी की बात हो सकती है, लोग 12 साल में करते 6 साल में करके. अच्छा, तो आलमा के कोर्स के बाद कॉलेज में एडमिशन लेना, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई है? नहीं, बहुत ज्यादा हिंड्रेंस थी, और मैं आपको बताऊँ की ये भी बेसिक बैरियर था जिसको मैंने ब्रेक करना था, और ये वो ब्रेक हुआ तो आज यहाँ. सही. वो फिर मैंने रेजिस्ट किया अपने पेरेंट्स के साथ कि मैं इस तरह की आई कांट डू दैट. अच्छा, ठीक है. यूनिवर्सिटी में को एजुकेशन आपने एक्सपीरियंस की है? Yes, अच्छा, तो उससे रिलेटेड पेरेंट्स को किस तरह से कॉन्फिडेंस मिला? उससे रिलेटेड पेरेंट्स कॉन्फिडेंस में लेना, लाइक मेरी एकेडमिक लाइफ से आ गया था. मेरी पेरेंट, मेरी मामा जो हैं वो थोड़ी मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करती थी. अच्छा. लेकिन मेरे बाबा जो हैं वो थोड़ी रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मेरी मामा को भी शरी पर्दा आई थिंक यू पे पढ़ लो उसमें आना पड़ा. लेकिन चूंकि उन्होंने मुझे काफ़ी यहाँ पे हौसला भी दिया, और वो उन्होंने प्रमोट भी किया, तो 9th में उन्होंने मुझे एकेडमिक निज़ाम था भेज दिया अकेडमी में जहाँ को एजुकेशन थी. तो बेसिकली वहाँ पे भी हम लोग काफ़ी सेपरेशन के साथ बैठते थे, 6-6 मिल के फासले पे एक लड़का आया तो लड़की को 6 मिल के फासले पे था. लेकिन आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं, आपके मेंटेलिटी थोड़ी ब्रेकआउट हो जाती है, वो जो नॉर्म्स बने हुए होते हैं ना स्टीरियोटाइपिकल, तो वो ब्रेक हो जाते हैं. खैर, बिगनिंग वहाँ से हुई, फिर उसके बाद माँ को भी बिलीव था, मेरे पेरेंट्स बिलीव था ऑन मी. ठीक है. तो यूनिवर्सिटी में आने के बाद स्टडी को कंटिन्यू करते हुए कौन सी एक्टिविटीज आजकल चल रही हैं?
हाँ वेल यूनिवर्सिटी में बिकॉज माई डिसिप्लिन, पहले तो मैं गई अपनी यूनिवर्सिटी के पहले साल, लाइक फार्मेसी मैंने स्टार्ट की, अच्छा तो हमारे यहाँ के सेमेस्टर सिस्टम निज़ाम था, लाइक आपको पढ़ाकू बच्चा बनना पड़ता है अगर आपको अपनी रिप्यूट क्रिएट करनी है और आपको सब कुछ करना पड़ना है. तो मैं वही किताबी कीड़ा बन के पहला साल गुजारा, और पहला साल क्योंकि मुझे अच्छे रिजल्ट चाहिए थे और थोड़ी अपनी वहाँ पे जगह बनानी थी, क्योंकि मैं बहुत सारे इनिशिएटिव्स अपनी यूनिवर्सिटी में लाना चाहती हूँ, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं अपनी जगह बनाऊँ इस तरह की मेरी बात सुनी जा सके. तो बस पहले साल मैंने पढ़ाई में गुजारा पहला, और आई देन आई टॉप्ड. तो उसके बाद मैंने ह्यूज अमाउंट भी गेन की, लाइक बहुत बड़े बड़े प्राइजेस भी आए. उसके बाद मैं दूसरे साल में एंगेज होना शुरू हुई, मुझे बहुत सारी हमारी वहाँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आती रहती हैं, तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको उठा के ले जाती हैं, तो फिर उनकी तरफ से मुझे ऑफर्स भी आई और आइडियाज जोन होते जिसको मैंने ज्वाइन किया. तो और उसमें फिर उसके बाद मैंने एक साइंस ऑर्गेनाइजेशन है बिकॉज यू पीपल नो के आई एम हाईली क्यूरियस इज विद, और साइंस इसमें मतलब मैं साइंस मुझे बचपन से पसंद थी. क्यों? क्योंकि ये क्यूरियोसिटी को डील करती है, आपकी क्यूरियोसिटी का जवाब देती है, रिलीजन इतना क्लियर नहीं देता. तो फिर मैंने साइंस कम्युनिकेशन को ज्वाइन किया, क्योंकि मैं जो सीख रही थी मुझे उसको कम्युनिकेट करने में बहुत प्रॉब्लम था. लाइक अगर आप देखें, मैं आपको आज न्यूरोलॉजी का कोई एक स्टफ बयान करूँ, आपके ब्रेन के किसी एक पार्ट का नाम लोग समझ पाएंगे? नहीं. तो जो मैं पढ़ रही हूँ जो मैं उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकती, मैं लिए मैं उनको बता नहीं सकती कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मेरे पढ़ने का फायदा सही, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप डिलीवर नहीं कर सकते जब तक आप उसको समझते नहीं हो कि बेसिकली उसका मकसद क्या है, और जब तक उसको पब्लिक तक नहीं पहुंचा सकते. कोई भी रिसर्च करने आपके किसी काम की नहीं जब तक आप उसे लेमैन को नहीं समझा सकते. ठीक है. सो गाइस, हमने बहुत सारी बातें की खाला के साथ, उनकी उनके बैकग्राउंड को जाना, उनकी लाइफ को समझा कि इतनी हिंड्रेंस होने के साथ उन्होंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा, रिलीजियस फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, इन सबको ब्रेक करने के साथ उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स को जो है आपके सामने रखा. मेरी तरफ से और खौला की तरफ से उन लड़कियों को और उन खवातीन को ये मैसेज है कि अगर आप लोग ये समझते हो ना कि रिलीजन एक ऐसी जो है बाउंड्री है जिसका जो आपको ये कहती है कि बस आपने इस्लाम के अकॉर्डिंग अपने घर में रहना है, आप पर्दा करो और दैट्स इट, तो खौला की जिंदगी से हमें यही इंस्पायरेशन मिलती है कि रिलीजन फैक्टर और सोशल फैक्टर्स नॉट आर द बाउंड्रीज. ठीक है, आप इन्हें ब्रेक करो, इन्हें कंटिन्यू करो अपने साथ और दुनिया की चीजों को भी अचीव करो. Guys, बहुत हो गई सीरियस टॉक और बहुत हमने जो है खौला के बैकग्राउंड से रिलेटेड बहुत इंफॉर्मेशन जो है स्कैटर्ड कर दी और बहुत सारी जो है बातें कर दी. अब थोड़ा लाइट मोड की तरफ चलते हैं खौला, तो मैं आपको जो है वो थोड़ी कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी, ठीक है, और आपने गेस करना है कि ये कौन है. ठीक है, सो दिखाई दे अभी हमारी पहली पिक्चर कौन सी है. बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है खाला और स्पोर्ट से जो है इनका ताल्लुक है. फेमस में नूरजहान तो नहीं है? नहीं, नूरजहान क्रिकेट खेलती थी, मैं कह रही हूँ स्पोर्ट से रिलेटेड है यार. और सॉरी लेकिन ये स्पोर्ट्स से नहीं रही यार, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो यार, इतना मुश्किल नहीं है यार. क्या हो गया यार, अब मैं इतनी बड़ी हिंट यार, मुझे देखो क्या हो गया, मुझे देखो, मुझे देखो. सानिया मिर्जा. यस, ऑफ कोर्स ये सानिया मिर्जा. अच्छा ठीक है. अच्छा जी, हमारी नेक्स्ट पिक्चर दिखाई दे. नवाज शरीफ. वाओ यार, यार मैंने नहीं पहचाना था यार. शेट, अच्छा सीरियसली आई थिंक कौन इंसान था यार, आई थिंक बहुत फेमस हो गया. हां सही बात है. अच्छा हमारी नेक्स्ट पिक्चर क्या है. अच्छा, बहुत ही मुहज्जब किस्म के शख्सियत हैं, ठीक है, और आप हमारे बीच नहीं है. माय गॉड, ये इज इजी माय हीरो. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. अच्छा जी, हमारी नेक्स्ट पिक्चर कौन सी है भाई. यार ये तो मैं जान ही लूंगी, बहुत ये कौन है. बोरिंग पर्सनालिटी है लेकिन फेमस है. अच्छा वेली, इनकी ना फिजामनेस फिल्म में जिस चीज को मैं बहुत चुकी हूं, डॉक्टर जी और इनकी मिसेस भी वैसी हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट पिक्चर कौन सी है हमारी. Let me say that he's Jenna Jawlak. Nein. Thoda sa. Oh no. Thoda sa. He's also Boris. Yes. He was in army as well. Yes. He was in army. Huh. Belonged to their.
इतने मुझे भी नहीं पता भाई, तुम्हारी जनरल नॉलेज चेक कर रही है, मेरी नहीं। कम ऑन यार वाला, शो मी द पिक्चर ऑफ हिज यंग एज। अच्छा जी अयूब खान आएंगे जनाब। अच्छा नेक्स्ट हमारी पिक्चर दिखाएं। ओह वाओ पीटीआर इमरान खान। आई आई पीटीआई आई। तो आपका वोट किसके तरफ है आज का? आई एम नॉट वोट्स पीटीआर। क्यों नून लीग को देना आपने? नून लीग भी डिजर्व करती है। फिर किसे देना? आई एम फ्रॉम रिलीजियस फैमिली ना यार। देखो मैं बिल्कुल तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करती कि तुम अपना वोट जाया करोगे यार, प्लीज। मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। टू माय पेरेंट्स अ लॉट, सीरियस आई ओ टू माय पेरेंट्स अ लॉट। अच्छा चलो जी नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं हमें। जो के है इन्फॉर्मेशन। खोला आज हम थोड़ी मजेदार से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करेंगे आपके साथ भी, और गाइस आपके साथ भी शेयर करते हैं। अच्छा तो साइंस ने हमें बताया है कि बॉडी के 5 ऐसे पार्ट्स हैं जो कि यूजलेस हैं। क्या आइडिया है फादर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कौन से पार्ट हो सकते हैं? यहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि टॉन्सिल, सबक्लेवियन मसल, विजडम टीथ, अपेंडिक्स और बॉडी हेयर। फौला सब सेबल मसल कहाँ पे जो है हमारे बॉडी में नहीं करता है? मैं खुद तो बहुत फैमिली को बताऊँ, लाइक ऑफ क्या भी बताओ ना, इट्स ब्यूटी बॉडी क्योंकि व्हाट इज द मॉडल टू थिंक कि व्हाट रेज द बॉडी टू सो ही इज जस्ट अंडर द लिटिल साइड ऑफ आवर क्या कर रही है अंडर द लिटिल साइड ऑफ आवर ब्यूटी बॉडी। अच्छा तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है कि जॉन विक फॉर कैंसर पेशेंट हमारे पास जो है वो डेवलप की जा चुकी है, और ये हमारे पास एक सोसाइटी है मैजिक यॉन प्रोजेक्ट, इन्होंने हमारे पास जो है वो डेवलप की है, और ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनके कीमोथेरेपी या फिर जो रेडिएशन ट्रीटमेंट दी जाती है उनके जो बाल उतर जाते हैं तो उनके लिए जो है ताकि वो थोड़ा जो फील करते हैं लाइक कॉम्प्लेक्स जो फील करते हैं उसे कवर अप करने के लिए। और इसका जो बेसिक मोटिव है वो ये है टू मेक देम लुक लाइक अ डॉल। ओके गाइस नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है कि हमारे पास एक एनजीओ है विच नेम्ड एज NOWPDP, और इसने हमारे पास हैंड कंट्रोल रिक्शा जो है डिसेबल पर्सन के लिए डेवलप कर लिए हैं। पर एक बहुत ही मजेदार इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक तोता है जिसे पैरट पी का नाम दे दिया गया है क्योंकि इसने फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो है वो हमारे पास प्रेडिक्शन की थी। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो है हमारे पास डेवलप कर लिया गया है, और यह हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन के जरिए डेवलप किया गया, और ये एक ऐसा हमारे पास डिवाइस है जिसे अगर आप CCTV कैमरास के साथ अटैच कर दें तो ड्यूरिंग आप ड्राइविंग जो है अगर कोई भी हमारे पास लॉज को जो है वो ब्रेक करता है तो उस पर्सन को जो है हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। Assalamualaikum, my name is Aksafta और मैं आपको होस्ट कर रही हूँ फॉर द थर्ड सेगमेंट जो कि है इनोवेशन।